ठीक से रखने के लिए लाइब्रेरियन है ना, तुम क्यों कर रही हो? बहुत बुरा जोक था, क्लास में बोर हो रहा है कहकर यहाँ ले आई। यहाँ क्या है साइलेंस के अलावा? चलो कैंटीन चल के चिल करते हैं। चले। आजकल कॉलेज आने का मन ही नहीं करता यार, पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो सकता है? वासुकी सर आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मतलब मॉर्निंग में तो आप दिखाई नहीं दिए सर। मॉर्निंग में दिखाई नहीं देने वाला मैं नहीं था, तुम लोग थी। आज क्लास में क्यों नहीं थी? क्लास में क्या रहता है सर, बोर्ड बोर्ड किया गया आप बस। अरे मैंने क्या बोल दिया, सॉरी सर। अच्छा तुम क्यों नहीं थी? सर वो मुझे कंपनी देने आई है सर। शिट, ये मैंने क्या बोल दिया यार। तुम हमेशा ऐसे ही हरकतें करती हो। अब मुझसे नहीं होगा, कॉलेज को 1 वीक की हॉलीडे दे देती हूँ। हाँ तुम हॉलीडेज कैसे दोगी? दे देती हूँ मतलब ले लेती हूँ ना। 1 वीक कॉलेज ना आकर क्या करोगी? यहाँ क्या करूँगी, हैदराबाद जाकर प्लान बनाऊंगी। समझ गए। अच्छा है, पहले कैंटीन चलते हैं, भूख लगी है। चलो। का वक्त हो चुका है। सर महेश जी नीचे जा रहे हैं। मैं तो नीचे से ही आ रहा हूँ। गया नहीं है, जा रहा है। सुनो मैं ही महेश बाबू हूँ। हेलो सर। हाय। अच्छा तो नीचे चलते चलते बात करते हैं। ओके। हाँ बोलो। हाँ सर वही रूम शेयरिंग के बारे में। वो तो फोन पे बताया ना, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम कृष्णमूर्ति है। हाँ। IIT से मास्टर्स कर रहा हूँ। IIT तो ठीक है लेकिन बी क्या है? बी यानी बॉम्बे, बॉम्बे IIT। हो, तो फिर हैदराबाद में क्या कर रहे हो? वो थोड़ा मेरा पर्सनल काम था। पर्सनल मतलब प्यार का? थोड़ा वैसा ही कुछ। प्यार में थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं होता है, सब वही होता है। लेकिन लड़कियों से बच के रहना, प्यार में तो ये अच्छी होती हैं, लेकिन शादी के बाद इंतजार करती है कि पति घर कब लौट के आएगा, समझे? भाई थोड़ा बोतल निकालो ना। श्योर सर। नो थैंक्स। ओके रख दो। ओके ओके चलो चढ़ते चढ़ते बात करते हैं। आप क्या करते हो सर? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 3 इयर्स फेक 3 इयर्स जनरलिंग कोर्स, बट एवरीथिंग इज फाइन। इसलिए 1 महीने के लिए मेडिकल लीव पे। मेडिकल लीव? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, थोड़ा पेट निकल गया है इसलिए छुट्टी ले रखी है। पेट कम करने के लिए मेडिकल लीव? फनी लग रहा है ना, लेकिन मैटर बहुत सीरियस है। मुझे 32 के पार भी 2 साल हो चुके हैं। 32 + 2 = 34। इस साल भी मेरी शादी नहीं हुई ना तो मेरी चमड़ी उधड़ जाएगी, इसलिए चढ़ता उतरता रहता हूँ। इस साल कैसे भी शादी करनी है ब्रो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। बस बॉडी का यही पार्ट पार्ट 1 पार्ट 2 कहकर बढ़ता जा रहा है। सबकी शादी में कैश कार्ड का अर्चन होता है, पर मुझे तो अर्चन आ रहा है इस फैट का। यही अपना रूम है। यही है ब्रो, यहाँ तुम आराम से रह सकते हो, आराम से उठ सकते हो, आराम से सो सकते हो। हे लेकिन आराम से रेंट मत देना। जरूर। चलो मैं नहा कर आता हूँ। इसके लिए भी रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। एक ही न्यूज़ बार बार छापते हैं। कि पुलिस स्टेशन आया हूं, क्यों पूछ रही हो? ठीक है फोन करता हूं, रुको अभी करता हूं। क्या हो रहा है ये सब? फोन पर बात कर रहा हूं सर। फोन पर बात करने आया क्या पुलिस स्टेशन में? सर मैं फोन चोरी की कंप्लेंट लिखवाने आया था सर। फोन तो हाथ में ही है। ये मेरा दूसरा मोबाइल है सर। दोनों मोबाइल्स गुम होने की कंप्लेंट लिखवा लेना। सर क्या यही है वो सर? जगन कहाँ पर है? कंट्रोल रूम से कॉल आया था, वही गए हुए हैं सर। देखो
क्या देख रहे हो तुम? मैं वही देख रहा था सर। ये एड जिसने दी है वो पर्सन मेरे सामने हाफ एन आवर में चाहिए। ओके? हाँ ठीक है सर। अरे सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है मालूम है, इसलिए तो मौसम पे लेके आए हैं। यहाँ कहीं पे भी जाए यही पे साइड पे चलते हैं। कुछ जल्दी के ऐसा मौसम और खाया और क्या। ऋषि को फोन कर देना। हे जानवी तुम यहाँ कैसे? पहले सॉरी बोलो। सॉरी किस लिए? सॉरी बोलने को कह रही हूँ ना, सॉरी बोलो बोलो। ओके सॉरी, अब ठीक है? तुमने कहा था दो दिन में आ जाओगे, 10 दिन हो चुके हैं। कितनी बार कॉल किया आंसर ही नहीं दिया। मैंने सोचा कॉल बैक करोगे, वो भी नहीं किया। काम है बोला था ना। हाँ दुनिया में तुम ही तो काम करते हो, कितना इरिटेट करते हो पता है तुम्हें? वो सब तो ठीक है, ये शॉकिंग सरप्राइज कैसे? वो क्या है ना, तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें सरप्राइज दे रही हूँ यही सोच रहे हो ना? मैंने कुछ नहीं सोचा है। मम्मी ने कॉल करके बुलाया था इसीलिए आई हूँ। क्या बोली मम्मी? कहा कि क्यों आई हूँ। मतलब कहा कि यहाँ लेट क्यों आई। अच्छा कॉलेज कैसा है? बहुत बड़ा है। हेलो। हाँ हाँ कब? कब आता हूँ? आता हूँ। जानवी मुझे अर्जेंट काम है, जाना है। मैं भी आऊंगी। जानवी हाँ वन मोर थिंग। क्या है? मेरा बिल भी तुम ही पे कर दो ना। मेरा बिल भी तुम ही पे कर दो ना। उस न्यूज़पेपर में ऐड देने वाले तुम ही हो? हाँ सर। क्या रिलेशन है तुम्हारा उनके साथ? वो मेरे चाचा जी है सर। चाचा है तो तुम क्यों ढूंढ रहे हो? उनकी फैमिली नहीं है? नहीं है सर, वो अनमैरिड है। उनका मैं मेरे वो, वी आर द ओनली पीपल इन आवर फैमिली। और ये तुम्हारे चाचा जी कब से लापता हैं? Exactly तो पता नहीं है सर, लेकिन एवरी मंथ मिला करते थे, लास्ट 2 मंथ से मिले नहीं है सर। कहाँ रहते हो तुम? मुंबई में। और क्या करते हो? IIT में मास्टर्स कर रहा हूँ सर। IIT के स्टूडेंट हो? हाँ सर। तुम्हारे चाचा जी भी मुंबई में रहते हैं? नहीं सर। तो फिर? वो बैंगलोर में रहते हैं। तो तुम हैदराबाद में क्यों ढूंढ रहे हो? बैंगलोर में भी ढूंढा सर पर नहीं मिले। लास्ट टाइम जब मिले थे तो कह रहे थे कि हैदराबाद जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। कहीं कंप्लेंट दी है तुमने? नहीं सर। क्यों नहीं दी? एक बार मेरे फ्रेंड ने बाइक की चोरी की कंप्लेंट की थी तो बाइक तो नहीं मिली सर, ऊपर से उसके 10,000 भी चले गए। ओहो तो तुम्हारी राय में सारे पुलिस वाले बिल्कुल वैसे ही हैं? सबके बारे में तो नहीं पता सर, पर जिसने लिया वो वैसे ही थे। सोचा मैं भी मदद करूं तो पेपर में ऐड दिया है सर। तो फिर हमारा क्या काम है, इस पुलिस स्टेशन का क्या काम है? देखो मिसिंग होने पर सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करनी होती है, उसके बाद खुद की कोशिशों में जुट जाना चाहिए। खुद की समझ के मुताबिक पुलिस को गलत कहने से क्या होगा? ठीक है मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो फोन कर दूंगा, आकर मिलना। ओके सर। अब जा सकते हो यहाँ से। थैंक यू सर। जगन इसकी बातें सुनकर कैसा लग रहा है तुमको? मुझे तो सही लग रहा है सर। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये प्रिपरेशन करके आया था ऐसा लग रहा है। ब्रो सिटी में ड्राइविंग करना होगा ना? होगा ब्रो। हाँ लाइसेंस है ना? नहीं नहीं है। नहीं है? मेरे पास भी नहीं है। सीधे चलो। ब्रो ये टी शर्ट अच्छा है ना? अच्छा तो है लेकिन पकड़े जाओगे? क्यों पकड़ा जाऊंगा? टी एलिमिनेट करके शर्ट बेटर रहेगा। ओके शर्ट ही ले लेता हूँ, पेट ज्यादा निकल गया है। कृष्णा तुम यहाँ कैसे? मेरे लिए आए हो क्या? नहीं फ्रेंड के बुलाने पे आया था। मेरे बुलाने पे तो आते नहीं, फालतू लोगों के लिए आ जाते हो। ये कौन है? He's my roommate. हाय जानवी। हाय
आपका नाम क्या है? महेश बाबू. रियली? जानवी, सॉरी. ब्रो, ये शर्ट कैसी है? बहुत अच्छा है. और ये? सुपर. आपका टेस्ट बहुत अच्छा है. थैंक्स. बट अगर आपने ये पहन लिया तो बहुत गंदा लगेगा. जस्ट बिहेव. पैक कर दो. ए? क्या सच में आपका नाम महेश बाबू है? अरे ब्रो. हाँ. मैं जाकर बाइक लेकर आता हूँ. हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ. बाबू, मुझे आप पर हंसी आ गई तो बुरा लगा क्या? नहीं लगा. थैंक यू. आप आए कैसे हैं? बाइक से. और जाएंगे कैसे? ऑटो. इंटरेस्टिंग गाय. चिपकी गई. ब्रो कहाँ है? उन्हें बाइक जर्नी में तकलीफ होगी इसलिए ऑटो में चले गए. ऑटो में क्यों? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने उन्हें ऑटो में जाने को कहा? अरे वो खुद गए हैं. जान गई. ए, चलो ना चलते हैं. वैसे भी कर ही चुकी हूँ. बोलो क्या कर रहे हो कृष्णा? टेरेस पर खड़े होकर स्टार्स गिन रहा हूँ. काउंटिंग पूरी हुई? एक मिसिंग है. मिसिंग है? कहाँ गायब हो गया? नीचे उतरकर मुझसे फोन पर बात कर रही है. ओ, अच्छा. सोचा नहीं था आओगे. एक्सीडेंट हुए 3 दिन हो गए हैं. एसीबी के नाते ना सही तो फ्रेंड के नाते आ सकते थे ना. अब कैसा लग रहा है? थोड़ा दर्द है बट ओके. आईजी साहब ने फोन किया तो उठाए क्यों नहीं? देखो मैं आज कमिश्नर बन गया हूँ और तुम एसपी ही बनकर रह गए. कितने दिन रेस्ट करना है? और 10-15 दिन और रेस्ट करना है. मैं तो कहूंगा कि गो अपना कम करो और ऊपर वालों के फेवर में काम करना सीख लो. फ्यूचर भी बनेगा. मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है ना? तुम्हें जो कहना होता है वो कह देते हो और चले भी जाते हो. एक दोस्त के नाते समझा सकता हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी. टेक केयर. क्या चाहिए मैडम? टू चोकोस प्लीज. थैंक यू. आइसक्रीम. हे, थैंक यू. चीयर्स. कृष्णा, कुछ पूछ सकती हूँ? ना कहूँ तो भी पूछोगी ना. तुम्हारी लाइफ की बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है? लाइफ की बेस्ट आइसक्रीम? मेरी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी कोई ना कोई जरूर होगी. हाँ, बचपन में स्कूल सिर्फ इसीलिए जाती थी. स्कूल बेल से ज्यादा आइसक्रीम बेल अच्छा लगता था. पर उन दिनों इतने फ्लेवर्स नहीं होते थे. ओनली वन, वो भी वाइट था. जानू, टाइम पास करना हो या टाइम वेस्ट करना हो, तुम्हारे बाद ही होंगे सब. मतलब? आफ्टर ऑल आइसक्रीम के बारे में अगस्त 15 को झंडे को देखने जैसी फीलिंग से बोल रही है. कृष्णा, तुम्हारे लिए आइसक्रीम आफ्टर ऑल होगी, मेरे लिए तो मेमोरी है. अच्छा, वो अपनी मेमोरी में ही रखना. वो भी क्या दिन थे ना. स्कूल नहीं जाने के लिए फीवर का बहाना बनाना, स्कूल जाना हो तो सिर्फ बारिश के लिए. तुम्हारा चाइल्डहुड भी ऐसा ही रहा होगा ना. क्या काम है? एक बार एसीपी जी से मिलना था. मुझे प्रॉब्लम बताओ, किससे मिलना होगा मैं बताऊंगा. एक मिसिंग कंप्लेंट दिया था. किसको दिया था? एसीपी जी को ही दिया था. खुद उन्हीं को दिया था क्या? उन्होंने ही लिया था सर.
उसके बाद क्या कहा था? कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बुलाऊंगा बोले थे। अभी बुलाया है क्या? जी नहीं। फिर अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हम है ना तुम्हारी सेवा के लिए। जाओ जाओ यहाँ से। एक बार एसीपी से मिलकर चला जाऊंगा। सर नहीं है, तुम अपना नाम बता दो, वो आएंगे तो बता दूंगा। कृष्णामूर्ति। हाँ। Excuse me, lift please. बैठो। Thank you. एसीपी साहब हैं क्या? हाँ अंदर ही है। Thank you. Sir. Come in. Sir. आपके कहने के मुताबिक 3 दिनों से फॉलो किया। वो पैराडाइज के पास एक अपार्टमेंट के रेंट हाउस में महेश नाम के आदमी के साथ रहता है। जानवी नाम की लड़की से रेगुलर मिलता है। मिलता है मतलब? उन दोनों के बीच को रिलेशनशिप होगा सर। फाइनली वो हैदराबाद आया अपने चाचा जी को ढूंढने के लिए। थैंक यू। तुम्हारे चाचा जी की फोटो है? चाचा जी की फोटो? हाँ कहीं दिखे तो बता दूंगा। यही है। कुछ दिन से वो दिखाई नहीं दे रहा है, अपने चाचा जी की फोटो दिखाकर ढूंढ रहा है। स्टेशन में कंप्लेंट भी की है सर, मैंने वो फोटो भी देखा है। एज 40+, राउंड फेस, एवरेज कलर, मिनिमम वेट। ठीक है मैं देख लेता हूँ। यस सर। चंदू। सर मेरा नाम ऋषि है सर। वही जगन को फोन करके आने को बोलो। ओके सर। जानवी तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इट्स ओके, मैं तुम्हारे रूम पर ही हूँ, काम कर लो फिर मिलते हैं। कृष्णा 10 मिनट में आने वाला है, तुम्हें मुझे कंपनी देने को कहा है। आप बहुत खाती हो क्या? नहीं तो क्यों? मतलब वो थोड़ा थोड़ा इंसानों का ब्रेन खा रही हो ना, इसलिए पूछा। क्यों बाबू रिवेंज ले रहे हो? नहीं एक्सचेंज। The cycle journal relates to and okay, huh? आज के बाद no jokes. मेरी वजह से बुरा लगा तो I'm sorry. Sorry accepted. आज के बाद maturity की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अपनी life की sweet memories के बारे में बताओ। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं sweets नहीं खाता हूँ ना। Sweet memories मतलब sweet खाना नहीं होता? लाइफ के जॉली मोमेंट्स के बारे में बताओ। वो भी नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो तुमने लाइफ में ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए ये तो सोचा होगा ना? तो फिर मैं बोलता हूँ, मैं बचपन से ही हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहता था। ओ ऐसा है, इसीलिए पेंट हाउस में रह रहे हो? ये क्या कह रही हो? क्या है मैच्योरिटी का मतलब? सॉरी सॉरी, मेरा फ्लो टूट गया, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। हाँ चलेगा। ओके, मैं हमेशा बचपन से ऊंचाइयों को छूना चाहता था। टीचर्स मुझे रेफरेंस के लिए लेना चाहती थी, स्टूडेंट मुझसे प्रेरणा लेना चाहते थे। हाँ। और पेरेंट्स मेरा ही उदाहरण देते थे। क्या बात है, दोनों बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत कुछ नहीं, वो बाबू जोक सुना रहा था, सुन रही थी। क्या है ये मैच्योरिटी का मतलब? मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हो। कहाँ गए थे? गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहे हो? जो गर्लफ्रेंड बनी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? ए बाबू कहाँ जा रहे हो, जोक तो कंप्लीट कर लो। मैं अपनी फीलिंग्स को बता रहा था तो तुम उसे जोक बोल रही हो? सच में तुम छिपकली हो, जाने तो मेरी माँ। फोन किए बिना क्यों आ गई? बस ऐसे ही, वाइजैग में फ्रेंड की शादी है तो जाना है। जाओ। तुम भी चलोगे ना? मैं नहीं चलूंगा। ऐसे डायरेक्टली कौन मना करता है? काम है नहीं जमेगा ऐसा बोल सकते हो ना? ठीक है नहीं जमेगा। पर क्यों? काम है। संडे तक वापस लौट आएंगे। मंडे तक भी लौटेंगे तब भी नहीं। ओके बाय। एक्चुअली मैं जानती थी तुम नहीं जाओगे, पर मुझे जाना है, 3 दिन में आ जाऊंगी। बाय। हेलो सर, एसीपी सर ने आपको बुलाया है।
आता हूँ सर। कंप्लेंट जब से किया तब से तुम गायब ही हो गए। मैं आया था सर, लेकिन आप तब नहीं थे। कांस्टेबल ने जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे बोला था। तुम्हारे चाचा के बारे में कोई डिटेल्स मिले हैं क्या? नहीं सर। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ कुछ डाउट्स भी हैं। क्लैरिफाई कर दोगे तो मैं कंफर्म कर दूंगा। श्योर सर। तुम्हारे चाचा क्या करते थे? बैंगलोर में नर्सरीज है सर, वही संभाला करते थे, लेकिन उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। उनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी कोई हैबिट है क्या? उनका तो चांस ही नहीं सर, वो अस्थमा पेशेंट है। उनसे जब लास्ट टाइम मिले थे तो उनके ड्रेस का कलर कुछ याद है तुम्हें? बैठ जाओ। कलर तो वैसे याद नहीं है, लेकिन हमेशा कैजुअल्स पहनते थे। इनको देखकर कंफर्म करो। ये चाचा जी के हैं सर, उनके बारे में कुछ पता चला क्या? एक महीने पहले एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी, कोई भी क्लेम करने नहीं आया था। हमने बहुत ट्राई किया, पेपर्स में ऐड दिए, फिर भी कोई नहीं आया। उसके बाद तो हमने ही उनका क्रिमेशन कर दिया। ये सारे आर्टिकल्स उस डेड बॉडी के ही हैं। तुम्हारे चाचा जी मर चुके हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। बड़ी उम्मीद लगा बैठा था कि चाचा जी मिल जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं। ये बात तो आप उसी दिन से जानते थे ना, तो आपने उसी दिन क्यों नहीं बताया सर? हमारे कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं। क्या है सर आपके रूल्स? पब्लिक इमोशंस के साथ खेलना ही ना। थैंक यू सर, अब तो सच बताने के लिए। कमाल करते हो, हमने सोचा था कि ये आर्टिकल्स अपने चाचा जी की याद के तौर पर ले जाओगे। उन्हें लेना यानी उनका ना होना ही हुआ, आप ही रखिए। दुख को जाहिर करने वाली चीजें दूर हो तो ही अच्छा है। फाइल किया था? नहीं किया सर। कंप्लेंट देकर भी दो दिन हो चुके हैं, क्या कर रहे हो? मैंने सोचा आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद मैं करूंगा सर। एक बार एसीपी सर से मिलना है। किस लिए? उनको ही बताऊंगा। वेट करो। ओके सर। सर, आपसे मिलने वो कृष्णमूर्ति आया है सर। क्या बात है? आपको ही बताएगा बोल रहा है। ठीक है, आने को बोल दो। नमस्ते सर। हाँ बैठो। अब बताओ। पता नहीं क्यों मुझे मेरे चाचा जी की डेथ नॉर्मल नहीं लगती सर, शायद उनका मर्डर हुआ है। व्हाट? हाँ सर। आखिर तुम्हें ऐसा डाउट आया ही क्यों? हेलो, क्या हुआ? अब तक मुंबई क्यों नहीं आया? हेलो, तुम्हारे चाचा जी मर चुके हैं पता चल गया ना, फिर भी क्यों नहीं आया? कौन बात कर रहा है? तुम्हें मेरे चाचा जी के बारे में कैसे पता? वही बताने के लिए फोन किया है। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जैसा सब यकीन कर रहे हैं वैसा तुम भी कर लो। ये तुम क्या बोल रहे हो? जैसा बोल रहा हूँ वैसा सुन लो। तुम्हारे चाचा जी मर चुके हैं, मारे नहीं गए, समझा? समझदार की तरह खुशी से जाकर पढ़ाई कर ले, वरना पढ़ाई भी चली जाएगी और खुशी भी चली जाएगी, तू भी जा सकता है। वार्निंग कॉल। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे चाचा जी को उसी ने मारा? हाँ सर। कॉल कौन से टाइम पे आया था? रात को 10 बजे के बाद। तब तुम सोए थे क्या? नहीं सर। तो फिर? सोच रहा था अपने चाचा जी के बारे में।
तुम एक्चुअली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो। ओके टेल मी वन थिंग, तुम्हें असल में कॉल आया था? सर बस छोटा सा डाउट था। ये लीजिए सर, मेरी कॉल हिस्ट्री चेक कर लीजिए। ये तो सारे आउटगोइंग कॉल्स हैं। कॉल कट हुआ तो मैंने दोबारा डायल किया था। डायल करने पर क्या हुआ था? सर मैं सच बोल रहा हूं, जब तुम्हारे चाचा की बॉडी मिली थी तब उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी भी तरह का कोई पॉइजन अटैक नहीं हुआ है ऐसा लिखा था। ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से उनकी मौत हुई है रिपोर्ट में ऐसा लिखा था। क्या यह बात सच नहीं है? सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे कॉल आना सच है, मुझे वॉर्न करना सच है। अगर ये सब सच है तो मेरे चाचा जी की मौत नॉर्मल होना झूठ है। मतलब तुमको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? सच को छिपाकर झूठ को क्रिएट किया है बोल रहा हूँ। चुप रहो। ठीक है, तुम्हें एक वार्निंग कॉल आया था राइट? लेकिन किसने किया ये पता नहीं राइट? हाँ सर राइट। जगन सर इनका फोन ट्रैकिंग पर डाल दो। ओके सर। अब तुम जा सकते हो। दिखाई नहीं देता क्या? एफआईआर लिखवा लो। और क्या हुआ? रात को ही तो वार्निंग कॉल आया था, इतनी जल्दी अटैक भी हो गया? फाइल मत उठाना, आज या कल मुझे भी मार देंगे, तब यकीन करना। उठाने से मना किया ना? अटैक कहां पर हुआ था? गोंडापुर में। गोंडापुर में कहां? सिग्नल के पास। तुमने जो भी कहा अगर वो गलत साबित हुआ तो स्टेशन में आकर वो फाइल उठाकर वापस टेबल पर रख दोगे। जगान सर, वही है सर, वही कार है सर।
कार नंबर पर जूम करो। TS09DG1270। RTO ऑफिस में कॉल करेंगे तो कार डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई फायदा नहीं होगा जगन, उस कार का नंबर फेक है। तुमने जो कहा वो सच है, तुम्हें धोखा तो है। थोड़ा केयरफुल रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर, तुम जा सकते हो। जगन सर, वो कार किसकी है ये पता लगाओ, क्योंकि अब हमारे पास जो लीड है वो वही है। ओके सर। फॉलो अप सर, आपका फोन। ओह थैंक यू। हेलो। क्या रे सीपी, बहुत सीरियस लग रहे हो। कौन बात कर रहा है तू? तुम्हें कूल होने के लिए क्या चाहिए? मनी, प्रॉपर्टी, प्रमोशन नहीं चाहिए? क्यों, तो चुपचाप ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते? असल में तूने फोन किया है एसीपी विनय वर्मा को ही ना? वो तो तुम ही हो ना? नहीं नहीं, कभी ना सुनने वाली बातें हैं। कोई ना देने वाले ऑफर सुनकर डाउट हुआ था। अब सुन, मेरे साथ जो करना चाहता है वो कर ले, लेकिन बेकार में फोन करके टाइम मत वेस्ट कर। केस छोड़ दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं मिलूंगा ही नहीं। मैं पकड़ लूंगा ना। कोशिश कर ले। मिलते हैं। ये किसको मार दिया? यो नहीं है क्या? अरे नहीं रे, तो ये कौन है? बेकार में किसी और को मार दिया, चल निकल, भाग भाग। हेलो सर, इस पोस्टर के आदमी को मैंने देखा है सर। क्या पोस्टर? कौन सा पोस्टर? सर यह दीवार पर चिपकाया हुआ है सर। रॉन्ग नंबर है। हेलो, इस पोस्टर के आदमी को मैंने देखा है सर। हेलो, पोस्टर कहाँ पे देखा? बेगम पेट्रोल पंप।
क्या बात है, आजकल तुम्हारा मोबाइल बहुत बज रहा है। एनीथिंग स्पेशल? अभी अकेला ही बचा था दिमाग खाने के लिए। हाँ स्पेशल है, स्पेशल ऑफर्स दे रहे हैं कस्टमर केयर वाले। ये कैप क्यों, नया लुक है क्या? हाँ कवर योर फेस का है। कवर योर फेस, लॉजिकल लुक। बाप रे, ओट्स खाने का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग सर। फाइल दिखाई नहीं दे रही है क्या? सर वो आपने उठाने से मना किया तो। उठाने से मना किया ना? हेलो सर। ओ कृष्णा, कमाल है आज कैप पहन कर आए हो। कुछ नहीं सर, वो पोस्टर देखने वाला हर कोई मुझे कॉल करके कहता है कि मुझे देखा है। बैठ जाओ। इसलिए इस कैप से कवर कर रहा हूँ। उनका इंटेंशन भी वही है, तुम्हें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करेंगे तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। इसलिए एक बात की तो क्लैरिटी मिल चुकी है, तुम्हें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करना, फोन करके इस तरह डराना, मारने की कोशिश करना, पोस्टर्स का लगाना, सब कुछ डराने के लिए ही था, तुम्हें मारने के लिए नहीं। उस दिन रात को जो पोस्टर चिपकाए थे, कोई तो शक के दायरे में है। पास जाकर देखा तो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। हाँ लेकिन भाग कर कहाँ जाएगा, पकड़ा जाएगा। सर मैं मुंबई वापस जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हो? यहाँ पर हर पल मैं पागल होता जा रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, तुम यहाँ रहोगे तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एक छोटा सा भी क्लू मिल जाए ना तो हम केस क्लोज कर देंगे। ये सब एक तरफ है लेकिन उस पोस्टर का टॉर्चर टू मच हो चुका है सर, कोई भी कॉल करता रहता है सर। वो टॉर्चर सिर्फ तुम्हें ही नहीं है बल्कि हमें भी है। ए जगन सर, वो लैपटॉप लेकर आना जरा। यस सर। तुम्हारा फोन ट्रैकिंग पर रखा है ना, तुम्हारे हर कॉल को हम ट्रेस कर रहे हैं। आने वाले सारे कॉल्स उस पोस्टर्स के संबंधित ही थे, सिर्फ एक कॉल के अलावा। उसे सुनकर हमें शॉक लगा। सुन लो। कहाँ हो सर? रूम में। मतलब फ्री हो पर फोन नहीं उठाते है ना? नहीं जानवी, थोड़ा बिजी था तो। मतलब बिजी नहीं रहोगे तभी मुझसे बात करोगे? इरिटेट किए बिना पहले मेरी बात सुनो। समझ गई कृष्णा, तुम्हें मुझसे बात करना पसंद ही नहीं है। ओके, मैं कोई बबल गम नहीं हूँ जो तुमसे चिपकी रहूंगी, इंसान हूँ मैं। गुड बाय। कौन है? क्लासमेट है सर। उससे भी बढ़कर है ऐसा लगता है। ठीक है, इस केस की बात मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम जाकर उस लड़की से मिल लो। सर तो फिर। अरे जाओ यार, चलता हूँ सर। जगन सर, तुमने कभी प्यार किया है क्या? आई लव माई ड्यूटी सर। हेलो सर, आपने जिसे पोस्टर में छपाया था मैंने उसे अभी देखा सर। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, सही तरह से तो नोट किया था। इतना लेट क्यों आई हो? जानती हो कब से इंतजार कर रहा हूँ? इसने कहा इंतजार करने को? और क्यों बुलाया जल्दी बताओ, मुझे अर्जेंट काम है। तुम्हारा अर्जेंट काम था? हेलो, मुझे काम है या नहीं है तुम्हें क्या मतलब? पहले मुझे क्यों बुलाया ये बताओ। ओके सॉरी। सॉरी क्यों? तुम्हारा फोन नहीं उठाया ना इसलिए। उसके लिए सिर्फ सॉरी कहने से नहीं चलेगा। तो फिर एक्सट्रीमली सॉरी बोल दो क्या? सॉरी से एक्सक्यूज नहीं दूंगी, छोटी गलती नहीं है ये, कुछ और करो। तो फिर क्या कहने से एक्सक्यूज दोगी? जो कहूंगी वो करोगे? कहो तो सही। वो लोग कितना बिल पे करने वाले हैं बताओ? 188 रुपीस, 160 प्लस 28 रुपीस जीएसटी, टू कॉफीज के लिए। कितना? 188 रुपीस सर। 188।
वो अंकल? उस अंकल को शुगर है, शुगरलेस कॉफी ऑर्डर करेंगे। अंदर आते ही वॉशरूम गए थे। ऑर्डर सर? वन शुगरलेस कॉफी। ओके सर। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? एक घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ, इतना तो पता चल जाता है। ये सब छोड़ो, तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करूंगी या नहीं ये बताओ। मुझे लगता है पक्का करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार और मैं? ऐसा कुछ नहीं है। है। किसने कहा तुमसे ऐसा कुछ नहीं है? तो अपनी फ्रेंड से पूछ लो। हेलो, तुम्हें एक बात बतानी है। पहले तुम मुझे एक बात बताओ। वो क्या? वेदा, कृष्णा है ना? हाँ, जानती हूँ उसको। उसके और मेरे बीच में क्या रिलेशन है? प्यार ही तो है। What? वही तो, ये बात तो तुम किसी से भी पूछ लो। ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। क्या बोली? बोल रही थी कि प्यार ही है। क्लैरिटी मिल गई ना? कंफर्म ना? मेरी ओर देखकर बोलो। ठीक है, शाम को मिलते हैं, स्टेशन में नहीं बाहर मिलते हैं। ओके सर, आपके कहने पर कार के नंबर की इंक्वायरी की है सर। ओके, लेकिन वो कार 2 महीने पहले ही चोरी होने की कंप्लेंट की है, वो भी हमारे स्टेशन में फाइल हुई है सर। आपको और कृष्णा को कॉल करने वाले दोनों नंबर स्पूफ कॉलर का यूज करके किया है सर, सो ट्रेस आउट करना मुश्किल है सर। एनी सिमिलैरिटीज? ओनली वन सर, वो सिर्फ उसी को नहीं बल्कि हमें भी ऑब्जर्व कर रहा है सर, खासकर आपको सर। वरना कृष्णा पर हुए अटैक के फुटेज को देखते ही, उसे सतर्क करते ही आपको तुरंत कॉल नहीं आता सर। सर, यहाँ एक और बात है जो कि हमारे डिपार्टमेंट से ही उनकी कोई मदद कर रहा है। भला कौन हो सकता है? वही पता नहीं सर, इसका पता चलने तक सब पर शक करना पड़ेगा सर, इंक्लूडिंग मी। गुड जॉब जगन। थैंक यू सर। उसके चाचा हैदराबाद क्यों आए पता चलेगा तो कोई तो क्लू मिल सकता है। करेक्ट सर। इसके बारे में पता लगाओ। यस सर। सुनो जगन। सर। वो कौन है पता लगने तक मुझ पर भी शक कर सकते हो। थैंक यू सर। हेलो सर। कृष्णा, क्या हुआ, एक हफ्ते से क्लास में नहीं आ रहे हो, कॉलेज में भी नहीं दिखाई दे रहे हो? एक छोटे से काम के लिए हैदराबाद आया हूँ। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है सर। 1 वीक में एनुअल फेस्टिवल है, याद तो है ना? फेस्टिवल के टाइम तक आ जाऊंगा सर। ओके कृष्णा, टेक केयर। थैंक यू सर। ओए, वही है। इसे नहीं देखा है ब्रो। वो हमने लास्ट डील में गलती से इसे हैंडल कर लिया था। इस बार तो वही है ना? चेक इट वंस। ये ले, देख ले। कंफर्म? आई एम इन मूड। डाल दे क्या उसे? नहीं, यहाँ नहीं, इसे तो बाहर देखते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है रे, एक तो गलत रास्ते पर आया, ऊपर से फालतू बोल रहा है। हैं? क्या बोल रहा है? रुक, अभी तुझे बताता हूं। अभी वो जा रहा है, बैठ 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 जल्दी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में काम खत्म होना चाहिए, अब मिस हुआ क्यों बोल रहे हो? हम उसे मारने वाले हैं, उसे पता चल जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। नहीं सर, एक मौका दो सर, इस बार पक्का हो जाएगा सर, यकीन कीजिए। यही तुम्हारा लास्ट चांस है, कल शाम को वो जीवी के मॉल जाने वाला है, हो सके तो वहीं पर उसे फिनिश कर दो। वंस अटैक किया तो मिस नहीं होना चाहिए।
काम होने के बाद मिलते हैं। और हमारे पैसे? काम होने पर मिलना या फिर कभी मत मिलना। तुम लोगों का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया? तुम लोग क्राइम करते हो लेकिन क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो, ठीक है? एक बात पूछता हूं, टाइम वेस्ट किए बिना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, किसने तुम्हें उसे मारने के लिए बोला है? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने ये सिर्फ पैसों के लिए किया है। पैसों के लिए, ठीक है। आज तो पैसों के लिए किया, तो फिर कल जो था, कल जो रोड पर उसे फॉलो करना, बीच में एक बाइक का आकर डैश देना, ये सब कुछ पैसों के लिए ही था ना? सर ने सब कुछ पता लगा लिया है। सर पूछ रहे तो उसे क्यों जवाब दे रहे? हमें ये लोग मार देंगे, बता देते हैं। सर ये सब हमने पैसों के लिए किया है सर, लेकिन हमसे करवाने वाला कोई और है सर। मारने पर 10 लाख दूंगा बोला था सर। कौन है वो? उसका नाम किरण है सर, राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी में पीए है सर। क्यों बे, बड़े लोगों का नाम लेकर खुद को बचाना चाहते हो? अरे सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, चाहिए तो इससे पूछ लो सर, मां कसम सर। और सर एक मिनट सर, सर ये काम खत्म होने के बाद मिलना कहकर ये कार्ड भी दिया है सर। एडवांस भी नहीं दिया सर उसने। ये किसी ने पूछा? ये कौन है, इसको बुला लो। तुम राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कुछ जानते हो क्या? सुना है सर, लेकिन और कुछ नहीं पता। तो वहां पर काम करने वाले किसी को भी? नहीं सर। सर उस कंपनी का पीए आया है। ठीक है, आने को बोल दो, उन दोनों को भी लेकर आ जाना। ओके सर। हेलो। हेलो सर। यह है कृष्णा। हेलो किरण, बोलिए सर। क्या बोलूं मैं, मुझे यह किस लिए बुलाया गया है? क्या नाम है तुम्हारा? किरण। करते क्या हो? राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी स्वामीनाथन के यहां पीए हूं। ये कौन है जानते हो? नहीं सर।
और इन दोनों को? नहीं सर। पॉइंट ये है कि कल शाम को ये दोनों इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए। अच्छे से पूछा तो तुमने ही मारने को कहा, ऐसा कह रहे थे, और मारने पर 10 लाख रुपए इनाम मिलने वाला था। मैं क्यों मारने को बोलूंगा? वेट, क्यों बे? डील करने वाला यही है ना? ये नहीं है सर। तुम्हारी बताई हुई कंपनी का पीए यही है? सर हमसे डील करने वाला राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी का पीए है सर, लेकिन ये वो नहीं है सर। क्यों बे? गेम खेल रहा है क्या? हाँ? नहीं सर, सच बता रहा हूँ सर। हाँ सर, झूठ बोलने से पहले आपकी घड़ी की याद आती है। जगन सर, इन्हें यहाँ से ले जाओ। सर चलते हैं। कहाँ चलते हो रे? चल। ये क्या है सर, किसी के भी कहने पर सच का पता लगाए बिना हमें पुलिस स्टेशन बुलाना सही नहीं है सर। उनके कहने पर नहीं, हमारे कुछ डाउट्स हैं। काम होने के बाद मिलना कहकर तुम्हारी कंपनी का कार्ड भी दिया है। कार्ड तो बहुत सारे लोगों के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे आदमी है। तो आपने कुछ नहीं किया? नहीं सर। ठीक है, अब जा सकते हो। ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, आपको तो सुन के शॉक लग रहा है सर, मैं तो देख के आ रहा हूँ। तुमने ठीक से देखा है ना? पहले तो कैजुअली देखा सर, वो नाम देखने के बाद क्लियरिटी के साथ देखा सर। पी श्रीनिवास राव चेयरपर्सन लिखा था सर। हमारी कंपनी के कार्ड पर उसका नाम कैसे आया? मैं भी नहीं समझ पाया कि हमारी कंपनी वालों ने उनका नाम क्यों डाला। हमारी कंपनी वाले ऐसा क्यों करेंगे? किसी ने कार्ड प्रिंट करके उस पर उसका नाम डाल दिया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोज हुए इश्यू को ओपन करने के लिए, हमें बाहर घसीटने के लिए। सर पता नहीं, मुझे डर लग रहा है, इसके बारे में सर को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं, वैसे वो दुबई में है, हम ही कुछ करते हैं। पहले कार्ड प्रिंट करने वाले का पता लगाना होगा। वो दोनों कस्टडी में है सर, ऊपर से वो एसीपी भी हटे लाए सर, बहुत मुश्किल है सर। उनसे मिलना मुश्किल है, लेकिन जिस पर अटैक हुआ उससे तो मिल सकते हैं। किस लिए? मिलकर क्या करना है मैं देख लूंगा, पहले तुम जाकर उसकी सारी डिटेल्स लेकर आओ। कम ऑन क्विक। यस सर। तुम क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। मुंबई में हो ना? आपको कैसे पता? तुम्हारे बारे में बिना जाने तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा क्या? तुम्हारे ऊपर हुए अटैक के साथ साथ तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुंबई में रहकर यहाँ प्रॉब्लम में कैसे फंस गए? मुझे क्या पता सर, मैं तो अपने चाचा जी को यहाँ ढूंढने आया था, लेकिन अब मुझे खुद को बचाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें किसी ने प्लान करके इसमें फंसाया है? हाँ सर, एसीपी सर ने भी यही कहा है। वो सिर्फ कहते हैं, इसका पता नहीं लगाते। ऐसे मामलों में पुलिस से काम नहीं होता, हमें पर्सनली सॉल्व करना पड़ता है। सैलरी के लिए ड्यूटी करने वाले लोग हमारे लिए रिस्क नहीं लेंगे। आगे से लेफ्ट। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ, मुझ पर किसी ने अटैक नहीं किया ऐसा बोलकर कंप्लेंट वापस ले लो। फिर वो लोग बाहर निकलेंगे, तब उन्हें पकड़कर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। एक बार एसीपी सर से पूछकर बताता हूँ। तुम पागल हो क्या? उससे क्यों पूछना? सर यही है। क्या? पुलिस स्टेशन चलो। कल तुम्हारा पीए आकर इस केस से हमारा कोई संबंध नहीं है कहकर उन दोनों किलर्स को या कृष्णमूर्ति नाम के पर्सन को कभी नहीं देखा कहकर वहां से चला गया, और आज तुम आकर केस विड्रॉ कर लो। वो लोग बाहर आएंगे, वो उसके बाद ही असली बात बाहर आएगी, ऐसा बोल रहे हो। क्या है वो असली बात?
इस केस से कोई संबंध है ही नहीं तो फिर उससे आप मिले क्यों? जगान, अरे ये क्या किया जगन? सर में दर्द हो रहा था तो चाय के लिए बोलने वाला था मैं। सॉरी सर, आदत पड़ चुकी है। हेलो, कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में। राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑडिटर को अरेस्ट किया है क्या? एक केस के सिलसिले में सस्पेक्ट बनाकर लाया है। एविडेंस है क्या? सस्पेक्ट करते ही है एविडेंस के लिए। बड़े लोगों से डील करने वाला पक्का होना चाहिए। अपनी मर्जी से अरेस्ट करोगे तो ऊपर से कितना प्रेशर आएगा तुम्हें पता है। बड़े लोग गलती नहीं करते हैं क्या? हाँ करते हैं, लेकिन पक्का प्रूफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो। हेलो, हेलो, मैं जा सकता हूँ? After all, ACP. राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी एक ब्रांड बनना चाहिए सर। थैंक यू सर। ये क्या सुन रहा हूं मैं? रोड के लफड़ों में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, कंपनी की है। हाँ सर। सर हमसे डील करने वाला राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी का पीए सर, लेकिन ये वो नहीं है सर। हमारे कुछ डाउट्स हैं। श्रीनिवास राव यानी? वही है। पुलिस ने तुमसे कुछ नहीं पूछा? बहुत पूछा, मैंने बात ही नहीं की, कुछ नहीं बताया। बोलना भी मत, तुम लोग साइलेंट ही रहना, ये मैं देख लूंगा। वो एसीपी जानबूझकर छोटे छोटे केस लगा रहा है। हेलमेट का है? हाँ, हेलमेट। हेलमेट पब्लिक की सेफ्टी के लिए, स्पेशल ड्रिल। कल कार पुलिस स्टेशन में ले गए, मैंने जाकर पूछा तो तुम्हारी कार ने 20 बार सिग्नल तोड़े हैं बोलकर फोटो दिखा दिए। हाँ सर, आज का केस तो और भी भयानक है। कल रात को घर में पार्टी दी थी ना, उन लोगों ने तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाला है। अटेम्प्ट टू मर्डर? यूं ही उन्हें दारू पिलाकर उनका लीवर डैमेज करके उन्हें मारना चाहते हो ना? वो कोई पागल है क्या? सर, उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और ज्यादती करेगा। बिना किसी बात के अचानक ट्रांसफर करना मुश्किल है सर। मैं बात करता हूं, ट्रांसफर तो नहीं होने दूंगा सर। चोर रेड लेबल के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया सर। चोरी किसने की है? अच्छा, बिल कहाँ है? बिल लेने के लिए काउंटर पर जाना पड़ता है, पता नहीं है क्या? वही से तुम चोरी कर रहे हो कहकर कॉल आया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सर इन दिनों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब क्या है सर? अच्छा सर, क्या है सर? आफ्टर ऑल मैं एक एसीपी हूं, इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूं? सुपर बाजार की चोरी क्या है और यह इंट्रोगेशन कैसा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जगन, परसों तिहार जेल से भागने वाले टेररिस्ट की शक्ल इनसे मिलती जुलती है ना? 70% मैच हो रही है सर, अगर आप कहोगे तो 100% कंफर्म। ये चलेगा क्या? ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं। ठीक, रिलैक्स हो जाओगे। जगन तुम भी सुन लो। हाँ वो कहानी मुझे पता है सर। अरे सर को नहीं पता है ना, बोलने दो। तुम भी ना। एक दिन शेर
ऊंचे पत्थर पर बैठा था और वहां से एक लोमड़ी चलती हुई जा रही थी। शेर ने उसे रोका और धाड़ करके मारा। नेक्स्ट डे शेर से बचने के लिए लोमड़ी बाइक पर जाती है। शेर उसे रोककर तीसरे दिन लोमड़ी कार में चली जाती है। उसे उतारकर उसने बहुत मारा। शेर ने क्यों मारा? इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर शेर को मारना है तो मारेगा ही, आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो कहीं और। पॉइंट यह है कि उस दिन तुम्हारी कंपनी का पीए विजिटिंग कार्ड देखकर शॉक हो गया। उसके बाद तुमने टेंशन में आकर कृष्णमूर्ति को कंप्लेंट विड्रॉ करने के लिए कहा। फिर तुम क्या कह दोगे सोचकर तुम्हारी कंपनी के एमडी ने तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश की। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? मतलब तुम लोगों ने कुछ तो झोल किया है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा लो ठीक है, कुछ सवाल मैं पूछता हूं, जवाब दोगे तो शेर शांत हो सकता है। उस कृष्णमूर्ति को मारने की कोशिश क्यों की? हमने नहीं मारा सर। ठीक है, उसके चाचा को क्यों मारा बताओ? हमने किसी को नहीं मारा सर। ठीक है, तो मरवाया होगा? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा है सर, एक फ्रॉड केस में फंसाया था बस। किस तरह का फ्रॉड? कैसे फंसाया उसे? एमडी जी को बताया क्या? सर थोड़े बिजी है, आप कल आ जाइएगा। कल आऊंगा तो काम हो जाएगा ना सर? यस, कल आइए, हो जाएगा। ठीक है सर, कल आता हूँ। कल आराम से आ जाइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। ओके सर। वो फाइल देना मुझे। ये लीजिए सर। सर ये जो आए थे वो कौन थे? वो ना सोसाइटी के पागल है। ये सारा महीना ऐसे ही चला जाएगा। ये लीजिए, अपने स्कूल के बारे में ही सोचते हो, अपने बच्चों के बारे में भी कभी सोचा करो। उसके लिए तुम हो ना? मतलब आप नहीं हो। क्या हुआ उसे? उसका फोन आया था, प्रोजेक्ट कैसे करना है आपसे पूछकर बताने को बोला है। वो एमबीए पढ़ रहा है, क्या उसे नहीं पता है? नहीं पता तो तुम ही बता दो। उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है मतलब तुम तो जानती हो ना। मतलब नहीं बताओगे? तुम भी मत बताना। आपका अकाउंट खत्म होगा तो बताना, मैं सोने जा रही हूँ। दिया है नहीं दिया है, इनके पास से अच्छा अमाउंट मिला तो सब ठीक हो जाएगा। Everybody listen to me, there is an income tax raid on us, I don't want anything to go wrong। हमारी कंपनी के शेयर्स, प्रॉपर्टीज, इनकम टैक्स सब कुछ परफेक्ट है सर। अभी के अभी रेट पड़ेगी तो भी हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।
आईटी रेड का इंफॉर्मेशन पहले से ही है, इसलिए सेफ। अदरवाइज यू डोंट वरी, आपके पॉकेट में रहने वाले मनी के अलावा बाकी सारे डिटेल्स पेपर पर हैं, हम रिलैक्स रह सकते हैं। हेलो, क्या कहा? ठीक है, रेड आपके घर पर पड़ी है सर, 150 करोड़ कैश सीज किया उन्होंने। 150 करोड़ से? हाँ सर, 3 ऑफिसर यहां भी आ रहे हैं सर। अब आईटी वालों को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल फाइनेंस, लोन फ्रॉम नॉन रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। हमारे बिजनेस में आउट ऑफ टाइम होने पर बैंक के अलावा भी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास से लोन ले सकते हैं, तब ये सीज हुए 150 करोड़ को लोन में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसे पेश करना पड़ेगा, ये सारे पैसे उसी इंसान के हैं, प्रूफ करना पड़ेगा, तब हम आईटी ऑफिशियल को इजीली कन्विंस करके हम लोग निकल सकते हैं। आईटी वालों को वही पर्सन आंसर देगा। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ने मुझे आज बुलाया था। बैठिए सर, मैं सर को कॉल करती हूँ। ओके ओके। उठाओ इसे। हेलो, यहाँ इतनी टेंशन चल रही है, कुछ इंपोर्टेंट काम हो तो बोलो। आपसे मिलने श्रीनिवास राव आए हैं। क्या हुआ? सर, श्रीनिवास राव नाम का एक इंसान आपसे मिलने आया है। श्रीनिवास राव, ये कौन है? वही सर, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, बताया था ना आपको। बाद में आने बोलो। हे, वेट वेट, बैठने को बोलो। उन्हें वेट करने को बोलो। ओके सर। अब उससे क्या काम है? बताता हूँ सर, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर यही करेक्ट पर्सन है, अच्छे इंसान को आसानी से धोखा देंगे। लेकिन सर, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें रहना है उस पर्सन के प्लेस में। देखिए, किसी और से अच्छा यही इंसान होगा, ये डोनेशंस कलेक्ट करते रहता है, वही डोनेशन इसने हमें फाइनेंस किया है बोल देंगे और उन्हें इजीली कन्विंस कर लेंगे। पेपर्स पर डोनेशन कलेक्शन के लिए सिग्नेचर लेना होगा, उसके बाद उसे किसी भी तरह से इस्तेमाल करेंगे, फिर ये 150 करोड़ उसके हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो फंसेगा। बुलाओ उसे। हेलो, बैठे हैं वो, उन्हें अंदर भेज दो। नमस्ते सर। श्रीनिवास राव, कम कम। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। अगर कुछ डाउट है तो पढ़ लीजिए। नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी संस्था के लिए आप लोग 4 लाख रुपए दे रहे हैं, इसे पढ़ना मतलब आपकी बेइज्जती होगी। सर, कल आकर चेक ले जाइए। आज नहीं हो सकता क्या सर? कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसीलिए कल बोला। ठीक है सर, कल आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते सर, चलता हूँ सर। नमस्ते, नमस्ते। From IT department. हाँ सर, please बैठिए। Exactly 35 मिनट पहले आपके घर पर रेड किया था। चाहिए तो कंपनी में भी सर्च कर लीजिए। आपके घर से 150 करोड़ सीज किया है। Firstly, आप उसका जवाब दीजिए। देख लीजिए। एक इंडिविजुअल के पास से इतना अमाउंट कैसे ले सकते हो? ले सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल से लोन ले सकते हैं, नॉन रिकॉग्नाइज सेक्टर के तहत लोन ले सकते हैं, इट इज ऑफिशियल एंड लीगल आल्सो। आपको अगर कोई शक है तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। दैट्स इट।
राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी को 150 करोड़ का लोन दिया है आपने? इतना पैसा कहां से आया? बच्चों के नाम पर पैसा कलेक्ट करके बड़े बड़े कंपनीज को फाइनेंस करते हुए शर्म नहीं आती? अगर जवाब नहीं दोगे तो अरेस्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला, आईटी रेड में बाहर आने वाले दीपम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर श्रीनिवासन राव। इस तरह आईटी रेड से बचने के लिए हमने उसे फंसाया था, बस इतना ही, लेकिन हमने उसे मारा नहीं। ये सारे ऑडिटर्स अपना सारा दिमाग अपनी कंपनी के लिए यूज करते हैं, तुम्हें देखकर ये यकीन हो गया है। ठीक है, एक दिन वेट कर लो, कल तुम्हारे कंपनी का एमडी भी आ जाएगा, फिर दोनों एक साथ चरलापल्ली जेल में जाना। इनका गलत करना तो सच है, लेकिन तुम्हारे चाचा जी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। पहले उस श्रीनिवास राव को रिलीज करते हैं, मे बी वो तुम्हारे चाचा के बारे में जानता हो। डोंट वरी, ऑलमोस्ट केस एंड तक आ ही चुका है। हेलो सर, 8309885937 ये आप ही का नंबर है ना सर? सर उस पोस्टर वाले पर्सन को मैंने देखा है सर, यही है सर। कहाँ देखा? सर हमिंगबर्ड कॉफी शॉप में सर। हमिंगबर्ड में? वो किसी से फोन पर बात कर रहा है सर। अच्छा, मैं भी वहीं पर हूँ, अंदर आओ। हाँ आ रहा हूँ सर। तुम जहाँ खड़े हो वहां से फोर्थ टेबल। फोर्थ टेबल सर? हेलो, बोलो। 83098 कहाँ देखा उसे? एक मिनट में आया सर। कोई बात नहीं यार, बैठो बैठो, कहाँ देखा उसे बताओ। अब बताओ कहाँ देखा उसे। चलता हूँ सर। एमडी स्वामीनाथन से मिलना है। अपॉइंटमेंट है सर। वारंट है, चलेगा ना? अंदर है सर। जगन सर, 2 मिनट के बाद अंदर आना। ओके सर। हेलो सर, एसीपी विनय वर्मा आपको अरेस्ट करने के लिए आया है, प्लीज गेट अप। आपको ऐसे बैठता देख मेरा ईगो बुरा मान रहा है। गेट अप। देखो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों आज बोलने का मन कर रहा है। वैसे भी हमारे देश में अच्छे लोग हैं सिर्फ 2%, उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर बुक करके अंदर भेज दिया है। शर्म नहीं आती? सड़क पर कई लोग बेकार में घूमते रहते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते थे ना। काम आने वाले अच्छे लोग ही चाहिए थे। सर 2 मिनट्स हो चुके हैं सर। ओ इतनी जल्दी? देखा ना टाइम कितनी तेजी से दौड़ रहा है। चलो दीपक श्रीनिवासन राव,
श्रीनिवास राव के केस में नया मोड़ आया है। असली दोषियों को हिरासत में लेने से श्रीनिवास राव निर्दोष साबित हुए हैं। अच्छाई के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, ये फिर एक बार सच साबित हुआ है। ब्रो, मुझे अच्छे से याद है, इसी एंकर ने जब उन्हें अरेस्ट किया था तब बहुत बुरा बोल रही थी। सर, आप मीडिया के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं? मेरे जेल जाने से संस्था पे आंच नहीं आना चाहिए, बस इतना चाहता हूँ मैं। खुद के स्वार्थ के लिए आपको इस केस में फंसाया गया है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हर इंसान की जिंदगी में कल नाम की चीज होती है, उसके लिए स्वार्थी बनकर सोचते हैं, स्वार्थी बनकर जीते हैं। स्वार्थ जरूरत से ज्यादा हद पार कर दे तो बुरा ही होता है। जगन, सर, वो कृष्णा आया था क्या? नहीं सर। कॉल कर रहा हूं तो स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया ना? पता नहीं सर। उसका एड्रेस तो जानते हो ना? पता है सर। बेल के होते हुए डोर खटखटा रहे हो, सेंस नहीं है क्या? कौन है आप? यहाँ कृष्णामूर्ति नाम का कोई रहता है? पहले सवाल मैंने पूछा है, जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। प्लीज कम इन सर। मारा क्यों उसने? क्या नाम है तुम्हारा? महेश बाबू सर। सच्ची कह रहा हूँ सर। करते क्या हो? डेटा वेयर हाउसिंग सर। क्या? समझे नहीं क्या सर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आज जॉब पर नहीं गए? छुट्टी पे हूँ सर। किस लिए लीव? पेट घटाने के लिए सर। कृष्णमूर्ति कहाँ है? सर वो तो चला गया। कहाँ चला गया? बताया तो नहीं सर, बोला मेरा काम हो गया है इसलिए बाय कहकर चला गया सर। आया हुआ काम हो चुका है। उस न्यूज़पेपर में ऐड देने वाले तुम ही हो ना? और आप कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं? पता नहीं क्यों मुझे मेरे चाचा जी की डेथ नॉर्मल नहीं लगती सर। आज या कल मुझे भी मार देंगे। पहले उस श्रीनिवास राव को रिलीज करते हैं, मैं भी वो तुम्हारे चाचा के बारे में जानता हूँ। काम हुआ ही नहीं ना, ये चाहता क्या है? विनय वर्मा, एसीपी। जी सर। टेंशन मत लो, ऐसे ही आया था। आपके रिलीज होने के बाद आपका स्कूल काफी पॉपुलर हुआ है ना, तो वो देखने के लिए आया था। आइए सर। नाइस स्कूल। वैसे आप ये स्कूल कब से चला रहे हो श्रीनिवास राव जी? 15 साल हो गए सर। ओ, तो क्या 15 साल से आप अकेले ही चला रहे हो? अकेले ही शुरू किया था सर, बहुत सारे लोगों के योगदान से आज इस पोजीशन पे हो सर। ओके। ये क्लासरूम है सर। अच्छा। और ये लाइब्रेरी। ये स्टाफ रूम है सर। ओ, जब इतना सारा स्टाफ है तो सैलरी देने में प्रॉब्लम होती होगी? सर, यहाँ लोग सैलरी रिस्पेक्ट करके काम नहीं करते हैं, एक सर्विस की तरह काम करते हैं सर। यहाँ किताबें तो होती हैं, लेकिन हिसाब नहीं होता। नाइस। आइए ऑफिस दिखाता हूँ। लेट्स गो। इंजीनियर्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ में सेट हो चुके होंगे ना? हाँ यस सर, बहुत सारे सेटल हो चुके हैं। वो कुछ खास नहीं करते हैं क्या? जो करना है वो वही करते हैं सर। एक्चुअली जो ओल्ड स्टूडेंट है ना सर, वो जो भी अचीव करते हैं यही ना कर रखते हैं सर। यहाँ रहने वालों के लिए इंस्पिरेशन? हाँ हाँ सर, जाने वालों की याद के तौर पर भी रखते हैं। कृष्णमूर्ति। हाँ सर, ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, फिलहाल IIT पढ़ रहा है। ये सिद्धार्थ है सर, अकाउंट यही संभालता है। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ, हाउ आर यू? फाइन सर। राव जी, आपका कैंपस एक बार देखना चाहता हूँ। जरूर सर, सिद्धार्थ सर को ले जाकर दिखा दो। चलिए सर। नमस्ते। उस दिन ऑफिस में मिलने वाले तुम ही थे ना?
₹50 का भी हिसाब अकाउंट्स में रहता है। 150 करोड़ कैसे हड़प सकते हैं? 50 रुपए किसे चाहिए? 150 करोड़ किसी को भी चाहिए होते हैं। रुपए जैसे बढ़ते हैं वैसे कैरेक्टर घटता है। सर आप जो कह रहे हैं उससे तो ये लगता है कि आप पैसों से आदमी का कैरेक्टर का पता लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस बात का तुम्हारे पास प्रूफ है? लेकिन श्रीनिवास राव नाम का इंसान डोनेशन के नाम पर पैसा कलेक्ट करके राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी को फाइनेंस करता है, इसका प्रूफ है। कोर्ट में प्रूफ हो चुका है, सजा भी मिल चुकी है। अब तुम आकर वो अच्छे इंसान है कहकर सर्टिफिकेट दोगे तो नहीं चलेगा। सजा भुगत रहे कैदी को बाहर लाने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। इसलिए मुझे ट्रैप करके मैं खुद एविडेंस जमा करूं ऐसा जाल बिछाया था? नहीं नहीं सर, आपको ट्रैप नहीं किया सर, आप ही कर सकते, यकीन था। देखो मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं, उसके खेले हुए गेम से कंपेयर करो तो तुम कुछ भी नहीं हो। वैसे है कहां पर हमारे IIT कृष्णमूर्ति? हाय। क्या आते ही बुक्स के साथ बिजी हो गए तुम? हमारे साथ भी टाइम वेस्ट कर सकते हो ना। टाइम पास का मतलब तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट ही है ना। जानवी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? क्यों? उस दिन हैदराबाद में क्या कर रहे हो तुमने पूछा था तो मैंने बताया नहीं था ना। तुमने कहा था ना बाद में बताऊंगा, तो मैं समझ गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, ये सब आखिर किया कैसे? बचपन में उन्होंने स्कूल में भेजा सोचकर अभी उन्हें जेल से बाहर निकाला है, यही बात है ना? उस दिन मेरे चाइल्डहुड के बारे में पूछ रही थी ना, वो सबके जैसा नहीं था, डरावना था, भारी था। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है सोचकर बहुत बुरा लगता था। आंसू भी बहने नहीं देता था क्योंकि पूछना भी मुझे ही पड़ता था ना। भूख लगने पर हाथ फैलाता था। एक दिन एक इंसान ने उस हाथ को थाम लिया। जिंदगी में पहली बार हिम्मत जुटा पाया। उनका हाथ थामकर उनकी आंखों में देखते हुए यूं ही उनके साथ चला गया। इधर आओ, ये लड़का आज से यहीं रहेगा, नाम है कृष्णमूर्ति। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ये लोग संभाल लेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ना। दीपम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मेरे हाथ में बुक आने के लिए, मेरे यहां तक पहुंचने के लिए वही वजह है। वहां से बाहर निकलने के बाद भी कभी भी हॉलीडेज मिले, कहीं जाने का मन होता था तो वही जाया करता था। उस दिन भी वैसे ही गया था। सर है क्या? कौन से सर? श्रीनिवास राव जी, मिलने के लिए स्कूल गया तो वो वहां नहीं है। वैसे आप कहां से आ रहे हो? मैं मुंबई से, तब पता चला कि सर को ब्लैक मनी के केस में अरेस्ट किया है, सजा भी मिल गई। सजा मिल गई ये पता चलने पर उसने क्या कहा? गेम प्लान करते हैं बोला क्या? तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया? जो करना था सब कुछ किया, लेकिन सारे सबूत हमारे अगेंस्ट है। सो अपना टाइम खराब है सोचकर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, यही ना? हम काम करते उनके लिए। एक घंटे पहले ACP से मिलकर आया हूँ। क्या बोले ACP? वो बोले कि कोई क्लू हो तो ट्राई करेंगे। ACP के ऊपर कोई नहीं है क्या? उनका तो मिलना भी मुश्किल है। Why only ACP? वो एक ही है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। सिंसियर ऑफिसर है क्या? ईगो वाले ऑफिसर है। ईगो वाले मतलब? पुलिस कुछ भी कर सकती है कहते हैं, पर हम गलत नहीं है ये उन्हें यकीन होना चाहिए, या फिर कुछ गलत हुआ इसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। सर कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते, सर का भरोसा ही हमारा प्रूफ है। उन्हें सिर्फ प्रूफ ही चाहिए ना, देते हैं। कैसे? कंटिन्यू। आपसे सॉल्व हुए छोटे छोटे केसेस के बारे में पता लगाया। छोटे छोटे केसेस? क्यों? केस बड़ा होगा तो हर चीज का डिटेल होगा, वही छोटा हुआ तो हमें लीड मिलेगी। लीड मिलने के बाद? उस लीड का इस्तेमाल करके हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करके सर को केस में डाइवर्ट करेंगे। डाइवर्ट कैसे करोगे? पहले तुम केसेस तो बताओ। तभी मुझे आप अपने हाथों से क्रिमेशन करने वाली अनआइडेंटिफाइड बॉडी केस याद आ गई। मतलब उस डेड बॉडी का तुमसे कोई संबंध नहीं है?
नहीं है। चाचा जी है क्यों बताया? हमारे खेले जाने वाले गेम में मिस्टेक हो तो भी इमोशन से कनेक्ट हो जाता है। चाचा जी मिसिंग कहकर अप्रोच किया। तुम्हारा उनसे रिलेशन क्या है? वो मेरे चाचा जी है सर। एसीपी को तभी मुझ पर शक हुआ। पता नहीं मुझे ये वेल प्रिपेयर्ड लगता है। वो पुलिस ऑफिसर है, जानता था। जानबूझकर उनसे लिफ्ट लेकर चाचा जी के बारे में केस के बारे में बताया। बाद में आपने बुलाकर चाचा जी की मरने की खबर दे दी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे याद है उस दिन कितने इमोशनल डायलॉग्स मारे थे यार। ये आर्टिकल्स अपने चाचा जी की याद के लिए मांगोगे सोचा था। उसे कवर करने के लिए थोड़ा इमोशनल होकर डायलॉग बोल दिया। उनके स्टेशन में फाइल हुए मिसिंग कार नंबर से अटैक का प्लान बनाया। अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता तो होने के लिए सिग्नल का प्लान बनाया। और उसके साथ उनके ईगो को भी टच किया तो ब्लाइंडली सोचेंगे, सोचकर उन्हीं को कॉल किया। हेलो, क्यों एसीपी, बहुत सीरियस लग रहे हो। आखिर तुमने फोन एसीपी विनय वर्मा को ही किया है ना। मेरी थ्रेट वाली बात को सीरियस करने के लिए इशू को और बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए वो पोस्टर्स मैंने ही लगाए। केस को डाइवर्ट करने के लिए यही सही टाइम है सोचा था। इनसे जाकर मिलो, कल शाम को मेरे एसीपी से मिलने से पहले मुझ पर अटैक करने बोला। ये लोग प्लान जानते हैं? नहीं। मतलब वो लोग सच में किलर थे? हाँ, अगर वो सच में मार देते तो रिस्क लेना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, हर हाल में केस को डाइवर्ट करना पड़ेगा। वो कोई पागल है क्या? डाइवर्ट करने के लिए मरेगा क्या? टाइम देखकर उन्हें ये कार्ड दे देना। कार्ड किस चीज का था? उन्होंने ये बोला ना, सर उनके फाइनेंस पार्टनर है, इसलिए उनके कंपनी कार्ड पर सर का नाम प्रिंट करवाया। कार्ड पर सर का नाम देखकर वो लोग टेंशन में आएंगे। बाद में उस कार्ड को फॉलो करते हुए एसीपी सर के हाथों पकड़े जाएंगे। और उसने मेरे साथ रहकर मुझे अच्छे से एनकरेज किया। कृष्णा, एक तरह से तुमने जो किया वो भी तो क्राइम ही था ना? पक्का क्राइम ही तो है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ खेल जो खेला है। जानवी, लाइफ में टू ऑप्शंस होते हैं, एक राइट तो दूसरा रॉन्ग। लोग अपनी लाइफ की खुशी के लिए राइट को चूज करते हैं। मुझ जैसे को लाइफ देने वाले के लिए उनके लिए रॉन्ग को चूज करना ही राइट लगा। चूज कर लिया। तुम लोगों ने राइट किया या रॉन्ग किया या राइट पर्सन के लिए रॉन्ग किया, इसे कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों ने डिपार्टमेंट को धोखा दिया है। यू आर एन अक्यूज्ड नाउ। नमस्कार कृष्णमूर्ति साहब। मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था ना आप आओगे। मुझे पता था सर, लेकिन इतनी जल्दी आओगे एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट क्लास क्राइम कमिट करके बचना चाहते हो क्या? मे बी मैंने जो किया वो गलत होगा, पर बचने के बारे में कभी नहीं सोचा। इसलिए केस के मामले में सब झूठ बोलने के बाद भी अपने बारे में सब सच ही बताया। और तुमने तो झूठ बोलकर धोखा देकर उसमें सच्चाई भी देख रहे हो। गुड सर, मैंने झूठ बोलकर कोई जंग नहीं जीती, धोखा देकर करोड़ों नहीं कमाए। न्याय और सहाय हार ना जाए सोचकर एक कदम आगे बढ़ाया। इसके लिए इतना बड़ा इमोशनल गेम खेला तुमने? आपको कन्विंस करने के लिए प्रूफ हमारे पास नहीं है। स्वामीनाथन जैसे स्टेटस वाले पर्सन से फाइट करने से जीतने का चांस ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक भरोसा ही था, वो गलत नहीं कर सकते हैं। भरोसा था इसलिए गेम खेलना पड़ा। रही इमोशनल की बात, उसकी वजह भी आप ही हो। क्या मैं? हाँ सर, मैंने इतनी होशियारी से गेम खेला पर आपने कभी भी यकीन नहीं किया, लेकिन जब से मैं इमोशनल हुआ तब से यकीन करना शुरू किया। सर अगर मैंने गलत किया है तो बिना सेक्शंस के सजा दे दीजिए, लेकिन वो सब करने के बाद वो रिलीज हुआ है उनको मत बताना। वो सोचते हैं कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है, उन्हें नहीं पता कि अच्छाई की जीत नहीं होती, हमें ही औजार और हथियार के सहारे जीतना पड़ता है। गुड मॉर्निंग कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर। प्रिपेयर हो गए? हाँ हो रहा हूँ सर। ये फ्रेंड फ्रेंड बनने के लिए सेम एज ग्रुप की जरूरत है क्या? जरूरी नहीं है। ओके गाइस, कैरी ऑन। ओके सर।
प्रिपरेशन किस लिए? आज कॉलेज में एनुअल फेस्ट है। ओह, तुम्हें क्या जरूरत है प्रिपरेशन की? तुम तो हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहते हो। हाँ? उस दिन पेपर में ऐड देखते ही थोड़ा सा डाउट हुआ था। एक्चुअली मैंने पेपर में ऐड दिया ही नहीं था सर। हुँ? मेरे प्रिपेयर किए हुए ऐड को आपके घर में डाल दिया। ओह, पेपर ऐड के लिए 3,000 रुपए खर्चा बोल रहा था, बजट नहीं था, इसलिए 300 रुपए में मैंने ही प्रिपेयर कर दिया। क्या हुआ? सेमिनार के लिए टाइम हो रहा है। ओके, राइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।